दोस्तों ये एडल्ट फीमेल है, यंग एडल्ट फीमेल है, इसको एक साल भी नहीं हुआ है, लेकिन ये कल रात पता नहीं कैसे मर गई है। इसकी पूरी बॉडी अकड़ी है, ज़मीन पे मिली थी है। इसका जो क्राउन है अभी भी डेवलप अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, उसे हो ही गया है, थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा होना है। इसको पता नहीं बुखार से मरी कैसे मरी है। एक बहुत बड़ा नुकसान प्रकृति को हो गया है, क्योंकि अगले कुछ सालों तक कई सारे बच्चे देती। ये जो मुर्गी है इसका नाम भाई ने डरी रखा हुआ था, क्योंकि ये डरती बहुत थी, इसलिए ये इसकी फ़ोटो। ये इसका बचपन का है अपने पापा के साथ में, तो ये दूसरे बर्ड्स के साथ बचपन में लोग इस तरह से चुगते थे। ये अपनी मम्मी के साथ में है और ये अपने ग्रुप के साथ में है, भाई बहनों के साथ। ये इसकी माँ है, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी एक सीनियर जो फैमिली में होता है ना, जिसके टिकट्स होने चाहिए, सारे के सारे हैं इसके। ये इसके पापा हैं। एक बहुत बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि इसके पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। टॉकी नाम है इसका। ये आज से करीब डेढ़ महीने के आसपास कुछ समय हो रहा है ऐसा, एक हॉक ईगल ने इस पर अटैक किया और ये घायल हो जाने से ये मर गया। अब इसकी सिर्फ कुछ तस्वीर हैं, कुछ वीडियोज इसके यादगार के रूप में हैं हमारे पास। दोस्तों अगर किसी के साथ आपका इस तरह से कुछ लगाव रहता है और वो एक्सीडेंटली आपसे दूर दूर हो जाता है, तो काफ़ी दुख होता है उस बात का। अब ये लोग सिर्फ यादों के रूप में, इस तरह से फूलों के रूप में रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि इसी प्रकृति में ये खोए हैं कहीं पे, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब भी चांद तारे या प्रकृति का कोई भी रंग दिखाई देगा तो इनका भी जरूर याद आएगा। हम इसके एक यादगार में एक कब्र बनाएंगे यहीं घर के आसपास। घर से थोड़ी दूरी पर खेत पे हम एक इसके लिए कब्र बना रहे हैं छोटी सी। नज़दीक में इसलिए बना रहे हैं कि नज़र पे रखें, कोई रात को जानवर इसको छेड़छाड़ ना कर दे। और इसको हम बहुत अच्छी तरह से मरम्मत करेंगे, ढकेंगे इसको पत्थरों से और उससे, और इसमें बाद में एक फलदार कोई पेड़ लगाएंगे, उसका नाम हम डरी रखेंगे, उस पेड़ का नाम। दोनों को पकड़ने दे, बार बार आता है, दोनों को पकड़ने, मुंह को देंगे छोटी बच्ची। चलो बाय बोलो इसे, मुझे दो। हाँ। मैं अच्छी हूं, मैं तो इसको पकड़ता हूं, मैं क्या करूं, मेरी दोस्त है ये तो। अब इसको मुंह को दबा दे तू पकड़ने के लिए, ये दे दादा तेरे लिए। बाय बोलो, बाय बोलो गड्ढे में रखो। इसके पंख देखे हैं मैंने, इसके यहाँ से 10 पंख हैं के दे रहा हूँ। रखू मेरे पास में दो। रुको रुको रुको, इसका वीडियो बनाना है गड्ढे में डालकर। ये उसके ये कलर को छोड़ के इसके अंदर। चलो अब नीचे रख दो सबके। हाँ दो का अब नीचे रख दो तेरे। चलो मुझे पकड़ना भी है ना। सेकेंडरी प्रिमेज बोलते हैं ना, मुझे पकड़ना भी है। ये प्राइमरी दो ना, प्राइमरी वही ना। तूने पकड़ लिया है ये है उसका 10। ये तो अभी पहले बड़े ताऊ को कुछ करने दे। मार्च अप्रैल 10 महीने की होगी ये।
पर इससे पता नहीं चलता है, मुर्गे का तो इससे चल रहा है। ये जैसे निकल रहा है अभी छोटा ही है, इसका मुर्गे का तो कम होता है, मुर्गे का होता है करीब 1 इंच तक, ये 2 साल का ऐसा बता रखा था उसने। और यूरोपाइजल ग्लैंड मंकू तेको बताया था मैं, यहाँ पे एक बारिश में जब मुर्गी भीगती है पक्षी, ये रही छोटी सी ग्लैंड है, इसमें से तेल निकलता है, अभी भी निकल रहा है। फिर ये चोंच से निकाल के सब जगह लगाती है पंख में, भीगती नहीं है। चलो डाल भी दो, चलो रख दो यहाँ, बाय बाय करो, बाय 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 बाय, ऐसे रख दो भैया, ऊपर हो गया नीचे कैसे मर गया इसका पेट, पत्थर डालने में ये पत्थर कुछ काम के तो है नहीं आऊंगा। अरे पहले एक लेयर मिट्टी की पहले, नहीं तो पहले पत्थर नहीं, एक बार पहले पूरा होना चाहिए। और नमक भी लाते थे मोटा नमक चाहिए, नमक मिला कटोरा में। अरे नमक नमक कुछ नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी डिगम हो जाता है, खुल जाएगी तू। और तू फ्लावर ले गया यहाँ से, फ्लावर ले गया, फ्लावर एक ही लाना, फूल है पूरा मत तोड़ना, एक ही फूल लाना, एक ही पीला वाला बस, छोटा सा, इतना बड़ा नहीं। अरे तोड़ने देना उसको, आजा फिर आजा, यहाँ दिखने भी तो चाहिए वो कैमरे में, यहाँ डाल टुकड़े करके, डाल टुकड़े करके आपको दीवार में से उठा लेंगे, रास्ते में पड़े हुए, हाँ रास्ते के सब चाहिए मैं बहुत फटर, अच्छी तरह चिनाई सी करनी पड़ेगी एक। अरे दबाड़े क्यों उसको, कोई तोड़ेगा ना उसको, मर चुकी हो। और ये हल्के चक हल्के उसमें आएंगे तो ये पूरा खेत खोदेंगे, इसलिए मर जो गई हो तो पड़ा नहीं रहेगा। बड़े पापा वो मर गई, पत्थर डाल के मर जाती है, रो मत मारना, मर जाती पत्थर डाल के, इसी को डाल देते हैं, अब फिर मिट्टी से ढकना पड़ेगा। ये पेड़ खुद ना खुद हिल ले, कौन सा क्यों ना पेड़ भी तो घास हैं, इनके घास हैं, चलो हम कुछ चलते हैं। दोस्तों समय के साथ साथ इन लोगों के साथ हमारा जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, ये लोग भी हमको समझने लगे हैं, और दिन भर ये लोग इस तरह से घर के आसपास ही जैसे पकड़म पकड़ाई या ऐसे कुछ गेम्स खेलते रहते हैं लोग दिन भर, बहुत अच्छा लगता है। इनके लिए जगह जगह पे पानी जरूर रखना पड़ता है, बाकी खाना तो चारा तो ये खुद अपना ढूंढ लेते हैं पत्तियों के नीचे। जंगल अगर घना है कहीं पे पत्ते हैं तो कीड़े मकोड़े ग्रेन बीज घास वगैरह सब पैदा हो ही जाता है उनके लिए। हाँ कभी कभी ये कुत्ते को डरा धमका करके उसका हमारे डॉगीज का जो खाना है उसको खा लेते हैं, मस्ती करते हैं डॉगी के साथ भी, काफ़ी डॉगी भी काफ़ी समझदार है, वो उनको समझता है। और हमारे कुछ पालतू मुर्गियाँ हैं जैसे कड़कनाथ वगैरह और बतख है, खरगोश हैं कुछ, उनके साथ भी ये लोग आपस में बहुत अच्छा इनका रिलेशन बना हुआ है, आप कभी आइए तो आप देखेंगे। और बस अब हमारा जो एक डरी है और उसके पापा हैं उनकी बस कुछ यादें इस तरह से हमारे पास फोटो वीडियो के रूप में ही है। ये बतख के जस्ट पीछे वाला वही उसका पापा है, रॉकी।